भाई लोग देखो अभी हम लोग बैठने जा रहे हैं और फिर होगा अभी मजा आएगा ठीक है। पब्लिक देख सकते हो आप लोग यहाँ पे करोल बाग के मार्केट में। वैसे खाने का सफर तो हमारा खुराना तक था, अभी हो गया है पेट फुल। अभी जाएंगे थोड़ी मौज मस्ती करने के लिए। सुना है हुडा सिटी बड़ा ही अच्छा जगह है घूमने के लिए, बिल्डिंग है बड़ी बड़ी और वहाँ पे गो कार्टिंग भी होता है। कभी एक्सपीरियंस किया नहीं वहाँ पे हुडा सिटी का, बस चाहता हूँ कि दिल्ली आए हैं तो हुडा सिटी जाया जाए। वैसे भी मेट्रो से मेट्रो ही जाना है तो फटाफट से पहुंच भी जाएंगे। अभी हम करोल बाग है और करोल बाग से मेट्रो लगती है। वैसे मेट्रो स्टेशन पकड़ के सीधा हुडा सिटी का लगता है, यहाँ से येलो लाइन लगता है डायरेक्टली जा सकते हो, लास्ट स्टेशन है। अगर मेट्रो में गुजरे हो तो 20 के नोट, 10 के नोट, 50 के नोट तो हाथ में रखना। कि 100-100 के दो नोट दिए, हमारा टोटल हो रहा था 180 रुपए। 200-200 के नोट चले नहीं, 50 का नोट डालना पड़ा, 20-20 रुपए का नोट डालना पड़ा। इस तरीके से यहाँ पे होता है, फिर जाके टोकन मिला हमको। भाई इतना कर दिया, दूसरी ट्रेन में चलो भाई। अभी तो ये वाली ट्रेन आ गई, दूसरी ट्रेन आई है, यहाँ पे फुल जगह है। इसलिए बोलते हैं कभी लड़की बस और ट्रेन के पीछे भागो मत। अरे सक्सेस हुआ है ना तो दिल्ली मेट्रो हुआ है, बाकी कोई नहीं हुआ। ये वाली येलो लाइन वाली ट्रेन आ गई है। वैसे ये लास्ट स्टॉप लगता है इसका हुडा सिटी, जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। एक ही ट्रेन में बैठ के पूरा एक घंटा लगने वाला है। वैसे आ गया लास्ट स्टेशन हुडा सिटी सेंटर। विसल भी बज गई, देखो पूरा ट्रेन गाड़ी, पूरा मेट्रो वहां पे भी गाड़ी। चलो जी चलते हैं। भाई गजब की गर्मी है बाहर। पिछले 40-45 मिनट से हम लोग मेट्रो में बैठे थे, हुडा सिटी सेंटर के बाहर आए, जहाँ पे लगा है ये शिकंजी या नींबू पानी का स्टॉल। वीर सिंह यादव करा रहा शिकंजी विकंजी बन रहा है यहाँ पे। ये लेंगे बाद, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बना तो मस्त है भाई। पहले जो बात हुआ था कि हम लोग गो कार्टिंग भी करेंगे, तो गो कार्टिंग के लिए हमें आगे उतरना था, F9 पे उतरना था। हम लोग हुडा सिटी आगे, कोई नहीं एक स्टेशन आगे ही है। हमने रिक्शा बुक किया यहाँ से उबर वाला, सिटी बस से ज्यादा कन्वीनियंट वाला ऑप्शन आपको उबर ऑटो रहेगा, उसमें फटाफट से पहुंच जाओगे। ऐसे रैंडमली रिक्शा वालों से जाके पूछोगे तब तो हो गया, वो रेट कुछ करेंगे नहीं। उससे अच्छा उबर वाला रिक्शा सस्ता लगेगा और अच्छा भी रहेगा, डायरेक्ट पॉइंट तक पहुंचाएगा, वही करना चाहिए। भाई का स्टाइल तो देखो, एकदम गमछा वमछा बांध के बैठे। ये क्या है, सन प्रोटेक्शन है? मेट्रो के बाद रिक्शा का सफर करके हम लोग आगे यहाँ पे F9 गो कार्ट पे। तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, लेट्स गो इनसाइड। देखो भाई इस तरीके से कुछ रेट है, 450 10 लैप्स, 600 16 लैप, ये सारे रेट्स हैं। कुछ इस तरीके से गोल्ड कार्डिंग हो रहा है, वहाँ पर देख पा रहे होंगे। वैसे गो कार्डिंग कितने लोगों ने किया है कमेंट भी करो भाई, ऐसा ही कुछ रिकॉर्डिंग आएगा हमारे वीडियोस में भी। चल ये लोग भी तैयार हो रहे हैं वैसे गो कार्डिंग जाने के लिए। ये चल है देखो, जैसे सबसे बेसिक पैकेज के अंदर 10 लैप आते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री लैप भी देते हैं। पीछे पीछे चलते जाने एक दो राइड पर, अब रिपीट वाला तो होगा ही नहीं, यही लैप है। यहाँ से घूमे वहाँ पे, वहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये वाला पहुंचा मुझे लगा। यहाँ पे देखो पूरा एरिया दिखता है, अच्छा खासा ट्रैक बना हुआ है, यहाँ से शुरू होकर यहाँ पे और फिर घूम के वहाँ पे, दो एस बने हुए बड़े बड़े, जहाँ से होके जा रहे हैं। देखो इनकी गाड़ी चल नहीं रहा है, वो रुक गया। हमारा 3 गाड़ी लगेगा क्योंकि हम लोग 3 है।
एक दिन एक्स्ट्रा था तो सोचा क्या करते क्या करते क्या करते 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 गो कार्टिंग का आइडिया आया और गो कार्टिंग करने आ गए हम लोग। ये हमारे भाई है वो कोई टेंशन फ्री एकदम ठीक है, लेकिन ये हमारे जो भाई है उनको फुल टेंशन आ गया भाई मेरे ड्राइवर है गाड़ी चलाने के, मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, अब ये कैसे चलाएंगे वो देखने की बात रही। आप पहले भी कर चुके हो ये वाला? पहली बार है क्या? तीनों भाइयों का क्या बात है। अच्छा वो पहली बार आ चुके एक बार राइट। देखते हैं भाई, देखो अलग अलग टाइप के अलग अलग एक्सपीरियंसेस होने वाले हैं यार, बहुत सारे वैसे गोकार लग जाएंगे। अभी राउंड एंड राउंड घूम रहे हैं, लेकिन अभी हमारा नंबर लगने को कब से हम लोग वहाँ पे केबिन में बैठे थे भाई लोग। देखो अभी हम लोग बैठने जा रहे हैं और फिर होगा अभी मजा आएगा ठीक है। चलो जी हो गया हमारा, तो बहुत मजा आ गया वैसे भाई मजा आ गया F1 गो कार्टिंग के अंदर हमें। तो अगर आप आते हो तो आप भी ग्रुप के साथ आना तो और मजा आएगा, वैसे अकेले भी आते हो फिर तो यहाँ कोई ना कोई साथी तो मिल ही जाता है, लेकिन आओ तो ग्रुप के साथ आना तो ज्यादा मजा आएगा आपको। चलो जी ये राइड बहुत ही अच्छा था, अब राइड की बारी है ये वाली और वहां पे देखो दूर वो ब्यूटीफुल से सनसेट हो रहा है एंड अभी हम लोग चल निकले एक नए सफर पर, चलते चलो। साइबर सिटी जो कि बहुत बार मैंने वीडियोस में देखा है, बहुत सारे मोटो ब्लॉग्स के अंदर देखा है, तो आज यहाँ पे भी आने का मौका मिला है तो आपको भी दिखाता हूँ मेरे कैमरा के थ्रू। सुंदर सुंदर अति सुंदर इमारतों के बीच हम लोग आगे, दोस्तों दो भाई लोग हमारे आगे चलते जा रहे हैं और मैं पीछे पीछे, ये है थोड़ी सुंदर सी जगह इसलिए थोड़ा आराम आराम से चलते जा रहे हैं। वैसे इन लोगों ने कब से ढूंढ रखा है एक बोलिंग सेंटर, अपने को बोलिंग नहीं करना, हमने को गोकार्ट करना था हमने कर लिया, अब ये लोगों का बोलिंग का मूड हो रहा है, मैंने बोला चलो। तो आगे इस रंगत के अंदर हम लोग मतलब मैं भी हूँ और दो लोग आगे भी चले गए, लेकिन जगह तो बड़ी अच्छी है भाई, आना तो एक बार बनता ही है। खान चाचा चाय पॉइंट ऐसे ऐसे बहुत सारे यहाँ पे, बहुत सारे कैफे पॉइंट है यहाँ पे, गार्डन रेस्टोरेंट भी अच्छा सा। बोलिंग का जो था वो तो बंद है, अब जो नेक्स्ट वाला है वो एम्बियंस मॉल के अंदर जो कि यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर दूर है, उससे अच्छा हमने सोचा यहीं पे घूम लेते हैं, यहीं पे नज़ारा देख लेते हैं। तो मैं इसी सारे कैफेज की बात कर रहा था, लुक एट दिस ब्यूटीफुल लोकेशन, यहाँ पर ऊपर बैठ के चाय कॉफी पीने का मजा ही कुछ अलग है, ढाबों का भी मजा अलग है, लेकिन दिस साइबर सिटी इट्स जस्ट अमेजिंग। लुक एट दिस स्टारबक्स ओवर हियर, पहले तो खुराना चिकन, उसके बाद गो कार्टिंग और मेट्रो का सफर पूरे 1 घंटे से ऊपर का और साइबर सिटी दिस ब्यूटीफुल। ये सुंदर सा नजारा छोड़ के हम लोग मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, वैसे मेट्रो स्टेशन सेक्टर नंबर 3 जहाँ से हमें मेट्रो मिल जाएगा जामा मस्जिद का, जहाँ पे आज की हमारी फूड लोकेशन एक और है। और लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्लेस एंड अब इसको छोड़ के जा रहे हैं हम लोग आगे की तरफ, क्योंकि आगे भी हमारा खाने का प्रोग्राम लगा है अच्छा सा। ये जो वॉक पे ब्रिज है ये एक्चुअली मेट्रो को जाता है, चलना शुरू किए ऊपर लिफ्ट से आए और ये बहुत ही सुंदर सा वॉक पे बना है। आई होप कि मुंबई में भी ऐसा कुछ काम हो, ये वॉक पे वहाँ पे भी बहुत सारा है लेकिन इतना अच्छा लाइटिंग वाला नहीं है। अपना मेट्रो आ चुका है दोस्तों, बैठते हैं मेट्रो में और जाते हैं जामा मस्जिद की ओर, आज का डिनर का टाइम हो गया हमारा।
भाई लोग ट्रेन से उतर के हम लोग यहाँ पे जामा मस्जिद के स्टेशन आ गए। वैसे तो ये थे दिल्ली मेट्रो की आज की हमारी लास्ट सवारी, ये लास्ट सवारी नहीं वैसे, जामा मस्जिद हमको ड्रॉप कर दिया ट्रेन ने। 9:30 बजते जामा मस्जिद आए हम, 1.5 घंटा लग गया ट्रेन में।